हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद में सफाई वगैरह करके आराम से बैठी हुई थी, तो पीहू के पापा ने बोला चलो कहीं चलते हैं। एक्चुअली अचानक ही हमारा प्लान बन गया और जिनके साथ हमें जाना था ना, तो उन्होंने बोला चलो चलो आ जाओ ना, हमारा अच्छा लगेगा आप लोग आओगे तो बस जो मेरी रेडी होने वाली जो पूरी इस सूट में रेडी होने की जो वीडियो है ना, वो मेरी शॉर्ट वीडियो में है। आपने देख ही ली होगी, अगर नहीं देखी ना तो प्लीज़ जाके देख लेना। यहाँ पे बस मेट्रो का वेट कर रहे थे तो मैं और पीयू के पापा निकल गए हैं, और बीच रास्ते में हमें मिली थी मामी जी, मेरी मामी सास है ये, और उनका पूरा परिवार था। तो हम बीच रास्ते में मिले थे और INA मेट्रो स्टेशन पे मिले थे, फिर हम उतर गए थे मेट्रो से। जी बस हम जा रहे हैं गुरुजी के मंदिर, और ये पड़ता है छतरपुर से थोड़ा सा आगे, तो उसके लिए ना ये ग्रामीण सेवा लगी हुई है वहाँ पे, इसी से जाना पड़ता है। और बस हम थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले ये है हैं। मेरी भाभी, प्यारी भाभी, और भाभी मेरे ब्लॉग भी देख रही है। ये है मेरी दीदी का बेटा, यही वाली दीदी का बेटा, और ये भी बहुत ही अच्छी वीडियो बनाता है, मैं आपको लिंक दूंगी, आप जरूर देखना। और ये भी है एक प्यारी दीदी जो कि गोगल सी लगा के बनाएंगी वीडियो, विदाउट गोगल नहीं बनाओगी। धूप हो रही है, दीदी का कहना है धूप हो रही है, गोगल बिल्कुल ना हटाए। बर्दाश्त ओह माय गॉड। और ये है दीदी की बेटी, यही वाली हाय हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी, हाय गर्मी। वैसे हम गुरु जी के आए हैं अब, अब गर्मी लगेगा कुछ भी। क्यों दीदी? हाँ। दीदी फुल ऐसी लग रही है जैसे अब बस किसी कॉलेज में जाके घुसने वाली हैं। कौन सा कोर्स कर रही है? ये सच्चाई है, इसमें झूठी क्या है बताओ जरा। हाँ दीदी के तो अभी शादी हुई है, सीधा अभी अभी कॉलेज से आई हूँ, इनकी कंपनी ज्वाइन करी है गुरु जी के आगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन दोनों की बस हूँ। और अब हम पहुँच चुके हैं गुरु जी के आश्रम, बस पहुँचने वाले हैं। और ये हमारी प्यारी मामी जी, हाँ ऐसे ही डलेगी। और यहाँ से ये जो आप रास्ता देख रहे हो ना, ये गुरुजी के आश्रम जाता है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे चलकर। तो जी बस पहुँच गए हैं हम गुरुजी के मंदिर, और ये मतलब इतनी अच्छी जगह है ना, यहाँ आके सबके बिगड़े काम बनते हैं, सबके दुख दूर हो जाते हैं, गुरुजी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हम गुरुजी के आश्रम पहुँच गए हैं, इसके आगे आपको खुद ही आना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, इसके आगे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, और मैं ऐसी जगह पर वीडियो बनाना पसंद नहीं करती, यहाँ पे अलाउड ना हो। तो आप लोग खुद ही आए गुरुजी के दर्शन करने, मिलती हूँ बाहर निकल के। तो जी हमने दर्शन कर लिए हैं गुरुजी के आश्रम में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। जी बस हम निकल गए थे और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इन्होंने एक ही दुपट्टे से अपने आप को कवर कर रखा था। इसके बाद यही ग्रामीण सेवा में फिर से हम बैठ गए हैं, और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को साथ में, अच्छा बहुत लगता है जब सब लोग साथ होते हैं। हेलो मम्मी, क्या कह रहे हैं मम्मी? हेलो, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ सर बैठ जाओ, सर बैठ जाओ, मैं नाल में देख ना पीछे मुझे, अब पैसे मांगे ले रही है। देंगे नहीं हम पैसे, 10-10 रुपए देंगे नहीं। हाँ पानी पिलाएंगे ना। हेलो भैया, चारू फंस गई है आराम से, चारू फंस गई है बीच में, जहाँ पे कहीं ठंडा पानी हो नहीं नहीं मिलेगा। बच्चे करते हैं जो, तो कुछ क्या है, चारू खराब हो गया ना, सफर वाला वैसे ऐसे सफर करने भी बड़ा मजा आता है ना, गोलियां लग रही है बिल्कुल। अरे गब्बर, ये है गब्बर की गोलियां। हेलो फ्रेंड, तो हम आ गए हैं गुरुजी के आश्रम से दर्शन करके। हम कहाँ आए दीदी? अब हम छतरपुर मंदिर जी के दर्शन करेंगे माता रानी, और आपको भी कराएंगे। हाँ क्योंकि यहाँ पे फोन अलाउड है। हम आए थे पिछली बार भाई, ये नहीं थे, मामी और मैं थे, अब हम सब है, अभी अंदर दर्शन करवाएंगे आप। हाँ बिल्कुल कराएंगे। अब हम गर्मी क्या कह रहे हो भाभी? गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। सही कह रहे हो। तो हम मंदिर में आ गए हैं और अभी वेट कर रहे हैं, जब सब लोग आएंगे ना
जब हम दर्शन करेंगे। पंडित जी से मिला पंडित। तो है ना, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे। ये छतरपुर का बहुत ही सुंदर मंदिर है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ ही नहीं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही, यहाँ पे माँ कात्यायनी जी का मंदिर है और सभी जो भगवान जी है वो यहाँ पे विराजमान है। तो काफ़ी सारा बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मंदिर था ये, काफ़ी सुंदर भी बहुत है। तो मैं आपको आगे दर्शन ज़रूर कराऊंगी। ये एक अंदर हॉल है जो छतरपुर से लाइव आता है ना, यहाँ पे लाइव चलता रहता है जब नवरात्रे होते हैं। बड़े बड़े सिंगर आते हैं यहाँ पे भजन वगैरह करने, पूरे जो लगती है यहाँ पे भजन की संध्या। तो ये बहुत ही सुंदर हॉल है। यहाँ पे हम दर्शन के लिए निकल गए हैं और ये अब हम ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़कर है माँ कात्यायनी जी का मंदिर और राधा कृष्ण भगवान जी, शंकर जी, काफ़ी सुंदर मंदिर है ये, बहुत ही सुंदर। तो चलिए करवाते हैं आपको दर्शन। यहाँ पे नंदी जी की विशेष मांग रहे हैं सभी लोग नंदी जी से। और एक जगह ना पंडित जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आता कि वीडियो बनाना अलाउड क्यों नहीं होता। आई डोंट नो, मुझे क्यों नहीं समझ आता ये सब। मतलब अगर कोई अच्छी सुंदर जगह है तो उसकी वीडियो हम बनाएंगे, जब भी तो आप लोग देखेंगे और जब भी आपका आने का मन करेगा। तो जब तक हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण जी बैठे हुए थे और बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर। ये अंदर का नज़ारा है मंदिर का। और यहाँ पे ना लाइव चलता रहता है, आप लोग देख सकते हो टीवी वगैरह पर भी। राम परिवार थे, हनुमान जी थे। ये है माँ कात्यायनी जी का मंदिर जो ऊपर चढ़कर था सीढ़ियों से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कि यहाँ पे आपको दर्शन करना है। और प्यारे कान्हा जी भी आए हुए थे दर्शन करने, बहुत सुंदर कान। आपने दर्शन कर लिए ना माँ कात्यायनी जी के। तो वहाँ पे ना लाइव चल रहा था इसलिए मैंने बैक वॉइस नहीं करी है। फिर हम नीचे उतर गए थे। यहाँ पे माँ का शयन कक्ष था, बैठक थी और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और ये माता रानी का ड्रेसिंग टेबल और बेड, रानियों वाला कमरा था, मतलब माता रानी का तो हो गई। और ये रूम देख के मुझे ऐसा लगा कि माता रानी मुझे भी ऐसा रूम दे दो मेरे लिए। तो ये सुंदर सा कमरा आप देख रहे हो ना, ये माता रानी का था। और ये जिन्होंने यहाँ का निर्माण करा था कि उनकी प्रतिमा लगी हुई थी गोपालदास जी की। और बहुत ही सुंदर, आप दिख ही रहा होगा वैसे आपको, मैं क्या ही बताऊँ। और आपको ओरिजिनल देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। और बिल्कुल छतरपुर के बिल्कुल सामने बना हुआ है, बिल्कुल साइड में बना हुआ है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। ये बहुत बड़ा मंदिर है, इसको तो हम घूम ही नहीं पाए पूरा मंदिर को। और मंदिर भी अभी खुला नहीं था, 4 बज गए थे। तो पता नहीं खुला, आधा खुला हुआ था। तो हमें जितना घूमे ना, हमें आपके दर्शन कराऊंगी यहाँ पे। इतना बड़ा मंदिर था ना कि पैदल चलने में पैर जल गए थे बहुत ज़्यादा, और नंगे पैर तो वैसे भी पैरों में, इतनी तेज़ धूप थी बहुत ही ज़्यादा। तो ये जगह देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है माँ, यहाँ पे ना माता रानी का रथ खड़ा हुआ था जो कि किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे निकलता है। और बस यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ पे आके ना वृंदावन में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने जो फ़ोटो वगैरह में वीडियोस में देखा है ना, तो वृंदावन भी ऐसा ही लगता है। थोड़ा कंस्ट्रक्शंस का काम भी चल रहा था, तो यहाँ पे हमने बैठकर कुछ चटरपटर खाया भी था क्योंकि यहाँ पे अलाउड था कुछ खाने पीने का। तो यहाँ पे सभी लोग बैठकर बातें कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मंदिर बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हनुमान जी की एक प्रतिमा थी जो काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी दूर थी, लेकिन बहुत ही सुंदर दिख रही थी। यहाँ पे ये जो मंदिर का जो ये वाला एरिया था ना, ये मुझे बहुत पसंद आया। मेरी शॉर्ट वीडियो भी है यहाँ पे काफ़ी सारी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो ये था मतलब माता रानी का ना, मैं रथ दिखाने की कोशिश कर रही थी तो दिख नहीं रहा था, तो थोड़ा ही दिखा था। तो ये भी ना नवरात्रों वगैरह में कोई पर्टिकुलर एक टाइम पर निकलता है। यहाँ पर बस हम लोग अब निकल गए थे। आइसक्रीम का तो मन करता ही है, जब इतनी गर्मी हो तो भाई आइसक्रीम तो खानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक कुछ ठंडा ठंडा अंदर जाता नहीं है ना तो मज़ा नहीं आता है जी। बस अब हम लोग निकल गए थे घर के लिए, और ये लोग INA से हमसे जुदा हो जाएंगे क्योंकि ये अलग रास्ते चले जाएंगे और हम अलग रास्ते। तो बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए हैं और बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि 8 बज गए थे मेरे ख्याल से घर आते आते, और थकावट हो ही जाती है। हेलो फैमिली, तो मैं आ गई हूँ घर। देखते हैं बच्चों की क्या हालत हो रही है मेरे बिना।
छोड़ेंगे नहीं कुछ दिन मीट करिए इसको। प्याज आप मुझे मिस कर रहे थे, हैं मिस कर रहे थे आप मुझे बहुत। कितना प्यार है, गले लग जाओ मम्मा के, लो अपने आप लगते हैं। प्यार करता है रियांश मुझे। आई मिस यू पियू। नहीं अगर पापा मुझे बताते ना तो मैं तुम्हें सुबह ले चलती, उन्होंने ना सुबह ही बताया 10 बजे। सुनो लेकिन बड़ी धूप थी, तुम धूप में चल नहीं पाते। चलो अभी ना, मैं इतनी बुरी तरह थक गई हूँ ना कि मैं सबसे पहले आज मैं लूँगी शावर, मैं नहाने जा रही हूँ क्योंकि हाँ बेटा क्योंकि ना आज मैं पैदल चली हूँ मंदिर वगैरह में, तो मेरे हाथ पैर थोड़े से गंदे हो रहे हैं। और चलो ना मैं नहा के मिलती हूँ, बाय 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 जी। बस मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ और नहाकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे, मतलब एक फ्रेशनेस सी मिली थी क्योंकि सुबह के हम गए हुए थे, सुबह 10-11 बजे निकल गए थे और 8 बजे आए, तो थकावट बहुत हो जाती है। तो मैंने यही सोचा था कि मैं घर जाते ही नहाऊँगी, गर्मी वैसे ही है और मतलब फ्रेशनेस फील नहीं होती। इसके बाद मैंने अपना स्किन केयर करना स्टार्ट किया क्योंकि वैसे ही मेरे फेस पर स्वेलिंग आ रही है, थोड़ी कम तो हो रही है, आप लोग बताना तो कम हो भी रही है या नहीं। इसके बाद मैंने अपना स्किन केयर कराया था, टोनर लगाया था, गुड वाइब्स का ही सीरम लगाया था। उसके बाद मैंने बिंदी और लिप लाइनर भी लगा लिया था। बिंदी लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं घर में भी होती हूँ ना तो बस लगा ही लेती हूँ बिंदी। इसके बाद है ना बालों को मैंने कॉम कर लिया था क्योंकि बाल भी सुबह से कॉम नहीं हुए थे, फिर रफ़ हो जाते हैं बाल बिल्कुल। और क्या कहते हैं, हाथों पैरों पे भी मैंने लोशन अप्लाई कर लिया था क्योंकि ज़रूरी है। एक तो नहाकर आते हैं ना ऊपर से स्किन अभी फटी फटी सी हो रही है, मतलब ये जो मौसम होता है ना हवा इसमें अजीब सी चलती है, होंठ भी बिल्कुल ड्राई रहते हैं, लिप बाम के बिना बिल्कुल गुजारा नहीं है। यहाँ पे जो फैंसी कड़े थे वो मैंने निकाल दिए हैं और जो अपने डेली बेसिस के कड़े हैं ना वो मैंने पहन लिए थे क्योंकि फिर मेरे ख़राब हो जाएंगे काम वगैरह में, और वैसे भी मेरे को तो घर में रहना और लाइट पसंद है, मतलब लाइट चीज़ें पहनना पसंद है, घर आते ही देख सकते हो। तो गर्मियों में तो ऐसा मन करता है सिर्फ लोअर टी शर्ट ही पहनो, जो सबसे ढीले वाले कपड़े हैं ना वही वाले पहनो, मतलब मन ही नहीं करता गर्मियों में टाइट पहनने का। और वैसे भी अब तो काम करते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, तो बस अब मैं बनाने वाली थी नमकीन पुलाव, तो बस मैंने प्याज भून ली थी, उसमें टमाटर डाल दिए थे, फिर बेसिक से मसाले डाल दिए थे। और चावल बहुत ही इजी बन जाते हैं ना इसलिए मैंने चावल ही प्रेफर सोचा, मतलब मैंने सोचा चलो चावल सबसे ज़्यादा आसान है। मैं वेजिटेबल पुलाव, आलू वाले चावल ना बहुत ही अच्छे लगते हैं और मिनटों में बन जाते हैं, 15 से 20 मिनट में ये चावल बन के तैयार हो जाते हैं, तो फिर जल्दी वाला सीन तो यही होता है जो फटाफट काम हो जाए। तो चलिए आप लोगों को पूरा व्लॉग कैसा लगा ना ज़रूर मुझे बताना, और कोई भी क्वेश्चन या कुछ समझ ना आ रहा हो कि मैं कहाँ गई थी, ये जगह कौन सी है या वो वाली जगह कौन सी है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, और कैसे मैं गई थी आपको रास्ता भी मैं समझा सकती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को कुछ भी पूछना हो ना तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चावल बनाने के बाद स्लिप साफ़ कर दी थी, और जब पूरे दिन घर पे नहीं थी तो थोड़े से बच्चों ने बर्तन कर दिए थे, अब मैं वो वॉश कर दूँगी क्योंकि इतने चावल बनेंगे ना तो ये सब मेरा जो छोटा मोटा काम है ये ख़त्म हो जाएगा, फिर जो खाने खाने के बर्तन होंगे ना सिर्फ मुझे वही वॉश करने होंगे। और इस टाइम पर मैं इतनी थकी हुई हूँ ना कि मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं था, बट ये है कि पीयू के पापा भी थके हुए थे, फिर मैं उनसे कहती कुछ बाहर से ले आओ, फिर बाहर से वो मुझे खाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है और इतना इच्छा भी नहीं हो रही थी खाने की, फिर रात है, रात को थोड़ा लाइट ही खाना ठीक रहता है। फिर आए हम 8 बजे थे, फिर मैं मंगाती देर हो जाती। और सबसे बेस्ट है मैंने आपको बताया नमकीन चावल बनाओ, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, आप लोग भी यही बनाते होंगे ना मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पे बस चावल मैंने सर्व कर लिए थे, खीरा काट लिया था, खरबूजा भी काट लिया था, चटनी थी, दही थी, और घर का खाना बेस्ट खाना, तो मेरे को तो यही अच्छा लगता है। और आप देख रहे हो कितना मज़ा आएगा ना खाना खाने में भी, जो घर का खाना होता है ना उसी को खा के एक संतुष्टि और तसल्ली मिलती है, नहीं तो बाहर के खाने से आपका पेट ज़रूर भर जाएगा लेकिन महंगा भी इतना आता है, 500-600 रुपए का तो खाना आ जाता अगर मैं अभी मंगाती। और यहाँ पे घर पे थोड़ी सी मेहनत के साथ मैंने बना लिया अपना खाना और सभी ने अब इंजॉय करके खाया। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताना, मिलती हूँ कल के व्लॉग में, बाय बाय।